कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स में कोविड के सेकेंड वेव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ई संजीवनी पोर्टल के जरिए टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों के लोग भी घर बैठकर छोटी मोटी बीमारी का इलाज करवा सकें। तो वहीं 18 से 44 साल आयु वर्ग के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन सेंटर में जल्द शुरू कर दी जाएगी। शिमला से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल व स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च की गई टेलीमेडिसिन सर्विसेज के बाद पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में एम्स के निदेशक डॉक्टर वीर सिंह नेगी ने बताया कि टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन शुरू कर दी गई है और सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर न केवल अप्रूव किया बल्कि उसे लॉन्च भी कर दिया है। NHM के तहत ई संजीवनी पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएं जनता को उपलब्ध होंगी। इसके लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने पर OTP आएगा, जिससे पोर्टल खुलेगा और फिर किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज करवाने के अलावा सलाह मशवरा भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कुल 35 डॉक्टर जनता के लिए उपलब्ध होंगे और टेलीमेडिसिन कंसल्टेंसी के तहत 17 सर्विसेज प्रदान की जा रही है। अब जो है वो नेफ्रोलॉजी के किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरोलॉजी हो गया और भी नियोनेटोलॉजी, जो ये टेलीकंसल्टेशन की सुविधा है ये गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए। माननीय जहां मरीज वहां उपचार भी उन्होंने कहा, जैसे हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हर गाँव में और हर घर पे इस किस्म की सुविधा मिले। तो टेलीकंसल्टेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे कि घर घर तक इस सुविधा को पहुंचाया जा सकता है। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन यही होगी कि बहुत, क्योंकि ये वर्चुअल माध्यम होगा जिससे कि हम लोग अपनी कंसल्टेशन दे पाएंगे, बट इसमें सुविधा एक इस पोर्टल के माध्यम से सुविधा ये है कि मरीज के पास में अगर अपनी ट्रीटमेंट का पहले से ही कोई इलाज के पर्चे, कुछ स्कैन्स हैं, कुछ CT स्कैन जैसा है, कुछ ECO की रिपोर्ट है, वो सब अपलोड कर सकते हैं और वो हमारे तक पास आ पाएंगे और फिर उसके बेसिस पे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उस पर कंसल्टेशन दे पाएंगे। तो मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा, एम्स के जो हमारा ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है जो कि भारत सरकार ने एस्टैब्लिश कर पाए हैं, हमारा उन 22 ऑलरेडी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में से एक है। तो जो भारत सरकार का जो एम है ये एस्टैब्लिश करने का, सभी स्टेट्स में एक कम से कम एक एम्स एस्टैब्लिश करने का है, कि जो एम्स होगा वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होगा मेडिकल एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए और रिसर्च के लिए, जिसमें कि हम लोग जो है एक्सेलेंट साइंटिफिक कल्चर का समावेश होगा। और लेकिन जो भी हम सुविधाएँ देंगे उसमें कंपैशन फॉर सिक एंड कमिटमेंट टू सर्व द अंडरसर्व्ड होगा, ताकि ये जो हाई लेवल की जो केयर है वो गरीब से गरीब आदमी को भी, दूर दराज के आदमियों को भी मिल पाए। इसीलिए हर स्टेट में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो हमारा जो एम्स बिलासपुर है, हमारा पूरा कमिटमेंट है कि जो मैंडेट है हमारा ऑलरेडी इंस्टीट्यूट का, वो हर हमारे प्रदेश के हर व्यक्ति के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उस चीज़ की ट्रेनिंग हमारा जो होती है, टीचिंग होती है, वो पेशेंट बेस्ड ही होती है, क्योंकि मेडिसिन जो है एप्लीकेशन बेस्ड साइंस है। तो हम लोग जो है अगर पेशेंट केयर अच्छे से उत्तम दर्जे की दे पाएंगे, हाईएस्ट लेवल की पेशेंट केयर देंगे, तो हम लोग ट्रेनिंग भी अपने डॉक्टर्स को उसी अच्छे दर्जे की दे पाएंगे और वो फिर सोसाइटी में जाके उसी अच्छे दर्जे की ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को सब सुविधाएँ भी प्रदान कर पाएंगे। तो हमारा यही एम है कि हम लोग एक अच्छे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, हमारा आगे का प्लान है कि नर्सेज और पैरामेडिकल कोर्सेज भी शुरू किए जाएं। उसका ये है कि जो हमारा जो प्रदेश का गरीब तबका है उनको सीधे ही MBBS की सीटें बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, लेकिन उनको फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट टाइम लिटरेट लोग हैं उनको वैसे भी MBBS का, क्योंकि ऑलरेडी बेस्ड कोर्स और कॉम्पिटिशन होता है तो थोड़ा सा सिलेक्शन उसमें मुश्किल होता है, लेकिन जो प्रदेश के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको नर्सिंग कोर्सेज में, पैरामेडिकल कोर्सेज में अगर बच्चों को एडमिशन मिलता है तो एक तो हेल्थ मैन पावर जनरेट होगी, दूसरा गरीब जनता को एक साधन मुहैया होता है जिसमें कि उनकी जो है परिवार जो है उसकी जनरल कंडीशन इम्प्रूव होगी, वो
देश की सेवा भी कर पाएंगे अच्छे से। तो ये लोकल जो ट्रेनिंग हम लोग जनरेट कर रहे हैं उससे हमारा मैन पावर जनरेट करना ही लोगों की सेवा करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रदेश का जो इकोनॉमिक, जो गरीब लोगों का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उससे भी हमें इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी।